हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स विद राव। और मैं प्रतिभा आज फिर आपके लिए एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। कभी बच्चों का स्कूल ना जाना, ये रीज़न इसके बहुत से हो सकते हैं, पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले या उससे छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। वो एक स्कूल जाने से पहले चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, नहीं जाना ये कहते हैं, और स्कूल ना जाने के बहुत तरीके के बहाने भी बनाते हैं। इसे चाइल्ड स्कूल रिफ्यूज़ल कहा जाता है। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे का स्कूल ना जाना आप दोनों के लिए ही चिंता का कारण हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस स्कूल रिफ्यूज़ल की समस्या और उनके समाधानों के बारे में हम जानें। सो आज के वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट को लेके, बच्चे किस किस वजह से स्कूल नहीं जा सकते हैं। कि बहुत से बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उनको स्कूल जाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, स्कूल ना जाने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। ये बहुत से पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं मगर बहुत पुश करके और डांट के या उनको डरा के इस तरीके से भेज रहे हैं, पर वो मन से स्कूल जाना पसंद नहीं करते। तो इससे उनके पास क्या रीज़न हो सकता है जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रीज़न जानने का प्रयास करना चाहिए, और रीज़न जानते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं आप रीज़न जान रहे तो जानने का प्रयास करिए बच्चे किस वजह से स्कूल नहीं जा रहा है। तो आज मैं आपको वो 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका बच्चा भी स्कूल जाने के लिए उत्साहित होगा। सो मैं आज यहाँ इस वीडियो में 5 ऐसी बातों को लेके डिस्कस करूंगी जो प्रॉब्लम बच्चों को स्कूल में हो सकती है। वो ऐसी कुछ 5 बातें हैं जो हो सकता हो आपके बच्चे के साथ भी हो रही हों, या वो प्रॉब्लम है जो आपके बच्चे के साथ हो सकती हैं, या इसी वजह से क्या बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता है, क्या ये रीज़न हो सकता है या है, तो आप इसके बारे में गंभीरता से सोचिए कि बच्चे स्कूल जाने से क्यों कतरा रहा है। एंड इन पॉइंट को आपको आगे मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, सो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्कूल ना जाना बच्चे का, ये एक प्रॉब्लम जो होती है इसको हम स्कूल रिफ्यूजल भी कहते हैं। और फर्स्ट मेरा पॉइंट यही है कि अनुशासन के प्रति असहज हो जाना। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, वो किसी भी टाइम खा रहे हैं, किसी भी टाइम पी रहे हैं, किसी भी टाइम वो खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता। सो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि वो छुट्टियों में स्कूल नहीं जा रहे होते पर सडनली उन्हें स्कूल जाना पड़ जाता है, वो भी कई हावर तक उनको स्कूल जाना पड़ जाता है। जबकि प्ले हावर भी स्कूल में होता है, लंच आवर भी होता है, इसके बावजूद भी वो जो है वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद के हावर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते, वो रुकना भी नहीं चाहते। तो आपको अगर ऐसी बच्चों की समस्या है तो आप उसको इंक्रेज करिए, उसको समझाइए कि स्कूल में उसे जो है टीम वर्क मिलता है, वहाँ उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, उसे वहाँ शेयरिंग करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेके उसको इंक्रेज करिए कि वो स्कूल जाने के लिए उत्साहित हो। कभी बच्चों का स्कूल ना जाना, ये रीज़न इसके बहुत से हो सकते हैं, पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले या उससे छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। वो एक स्कूल जाने से पहले चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, नहीं जाना ये कहते हैं, और स्कूल ना जाने के बहुत तरीके के बहाने भी बनाते हैं। इसे चाइल्ड स्कूल रिफ्यूज़ल कहा जाता है। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे का स्कूल ना जाना आप दोनों के लिए ही चिंता का कारण हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस स्कूल रिफ्यूज़ल की समस्या और उनके समाधानों के बारे में हम जानें। सो आज के वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट को लेके, बच्चे किस किस वजह से स्कूल नहीं जा सकते हैं, या उनका ये रीज़न हो सकता है, अगर ये रीज़न नहीं है तो ये रीज़न हो सकता है, अगर कोई भी रीज़न नहीं होता है या कोई भी आपके पास सोल्यूशन बच्चे के ऊपर कामयाब नहीं हो रहा है, या तो आप उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकती हैं और किसी काउंसलर से भी आप कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी।
तो सेकंड मेरा पॉइंट है कि बच्चों की टीचर से बात करें। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं टीचर से ही इतना डरते हैं कि स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बच्चों को समझ ना पाती हो या फिर उससे बहुत गुस्सा करती हो। बच्चे छोटे होते हैं और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, इसलिए भी स्कूल जाने से भी मना करते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में आपको बच्चे से बात करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको ये जानिए कि वो टीचर से डरता है तो क्यों डरता है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो उसको टीचर की तरफ से परेशान कर रही है, या फिर वो टीचर से क्यों कंफर्टेबल नहीं है। बच्चे से डिस्कस करने के बाद आप टीचर से भी मिल सकती हैं, बच्चे के बारे में भी आप उससे जानिए, आप क्लास के बच्चों से भी बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हर पेरेंट्स के लिए अलाउ रहती है, वो कर सकता है। तो अगर टीचर के साथ बच्चा अनकंफर्टेबल है तो भी स्कूल जाने से वो कतराता है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप टीचर से बात करें, अपने बच्चे की प्रॉब्लम उनसे भी शेयर करें, और हो सके अपने बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उसको स्कूल भेजिए। थर्ड मेरा पॉइंट है कि स्कूल से जुड़ी मज़ेदार कहानियाँ सुनाइए। जी हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, इनक्रेज बातें कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जो स्कूल डेली जाते थे और तो और उन्होंने सक्सेस भी प्राप्त की है। तो आप उनके बारे में डिस्कस करिए, बच्चों को बताइए कि देखिए रोज स्कूल जाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो बच्चे क्यों नहीं समझेंगे, उसको समझना जरूर चाहेंगे। जिस टाइम आप उनको सुला रही हैं उस टाइम भी बता सकती हैं, और जिस टाइम आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस टाइम भी बता सकती हैं। बट पोलाइट नेचर से आप उन पर गुस्सा मत करिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपसे उम्मीद लगाते हैं। तो आप उनको इस तरीके से भी इनक्रेज कर सकते हैं। पॉइंट है कि आप बच्चों के दोस्तों को घर पे ही इनवाइट कर सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चों के दोस्त को घर पे ही इनवाइट कर सकते हैं जब छुट्टी हो। जैसे संडे पड़ता है वीक में, तो आप उस दिन भी बच्चों के फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट कर सकते हैं, और उसके साथ बच्चे की बॉन्डिंग को आप बहुत गौर से देखिए। प्लस उन बच्चों से अपने बच्चे के बारे में भी आप डिस्कस करिए, पूछिए अगर, और अपने बच्चे को भी इस चीज़ का लालच दीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके ये फ्रेंड बने हैं, ये फ्रेंड बने, इनको मैंने घर पे इनवाइट किया, आप खेल रहे हैं बट आप स्कूल नहीं जाओगे तो हम इनको घर पे नहीं बुलाएंगे। तो आप इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हमें किसी ना किसी तरीके से मनाना ही पड़ जाता है, ऐसे भी उनको मना सकते हैं। प्लस उनसे कह सकते हैं कि आप स्कूल में इनके सबके साथ खेलते हैं, घर पे तो आप नहीं खेल पाते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं, आप अपने गिफ्ट शेयर करते हैं, इनसे गिफ्ट पाते हैं और इनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको स्कूल में मिलती हैं जो कि घर में नहीं मिलती है, घर में आपको ओनली पेरेंट्स से ही बात करनी पड़ती है। सो आप इस तरीके की बातें करके भी उसको इनक्रेज कर सकते हैं। फिफ्थ तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये सारी चीज़ों से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, बच्चा फिर भी वैसे ही वैसा है और वो रोज़ यही बताता है, कभी पेट दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार, कभी जुकाम, इन सारी प्रॉब्लम को लेकर स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो यही बहाने मार के बैठा है घर पे, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए अपने बच्चे को लेके, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आप बच्चे का बहुत सारा लॉस होगा और उसका माइंड भी मेकअप नहीं हो पाएगा, वो स्कूल जाने के लिए कभी रेडी नहीं हो पाएगा। आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे बचपन में कभी स्कूल नहीं जाते हैं, पेरेंट्स उन्हें बहुत पुश नहीं करते हैं और बाद में वो स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर वो जाते भी हैं तो बस उनकी स्टडी केवल डिग्री तक ही रहती है, बस उन्हें कोई नॉलेज नहीं हो पाता है क्योंकि वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो इसलिए आपको काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरे कुछ 5 थॉट थे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर बच्चा आपका भी स्कूल जाने से कतराता है तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।